हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। 25 वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसे आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और मैंने हमेशा की तरह जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं और नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाऊंगा आगे चल करके, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार इंट्रो समझ लिया ना तो ये पूरा का एक्सरसाइज जो हमारा 4.1 है आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, यानी कि आपको इसमें जितने भी लाइन मिलेंगे ना सभी का नाम बताना है। यानी लाइन तो आपको एक ही सीधा से दिख रहा है, लेकिन उसको हम 12 तरीके से कैसे बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बताया था ना कि देखो, एक तो मैं लाइन आपको डी ओ बता दे रहा हूँ, उसके अलावा फिर मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ से ई ओ भी आप लिख सकते हो, इसी को ओ बी भी लिख सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको बहुत सारे लाइन्स को, मतलब कि लाइन एक ही है लेकिन उसको हम लोग, क्योंकि 4 पॉइंट हमको दिया गया है तो हम लोग उसको अलग अलग तरीके से लाइन को बता सकते हैं कि लाइन का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से आगे बोला भी यही गया है कि चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, यानी कि ये जो हमको गिवन लेटर्स दिए गए ना ए बी सी डी है ना, इसमें से केवल 2 ही लेटर को हम लोग को सिलेक्ट करना है। जब हम लोग एक बार उसका नाम बताएंगे तो दूसरा हमको कम से कम, मतलब कि 2 हम लोग को लेटर यहाँ पर लेना है। जैसे कि देखो, मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, पहले तो आप लाइन के बारे में जानते ही हो। लाइन क्या होता है, जो दोनों साइड इन्फिनाइट चलता जाता है उसको हम लोग लाइन कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ अगर मैं ए से बी तक इसको नाम दूँ तो यहाँ देखो ए से बी तक हमारा क्या हो गया, एक लाइन हो गया है ना। यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ए की तरफ भी ये इन्फिनाइटी चलते जा रहा है और बी के साइड भी, इधर भी ये क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। एरो लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो उधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। तो जो पहला लाइन का हमारा नाम होगा वो सबसे सिंपल हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी लिख लो और उसके बाद क्या करो, ऊपर में इस तरीके से दोनों एरो का साइन बना दो एक लाइन बना करके। तो इस एरो का साइन का मतलब ही होता है कि जो ए बी है वो क्या है, एक लाइन है। क्लियर हो गया। अगर क्या करते आप, ए बी लिखते और केवल एक साइड एरो का साइन बनाते तो वो क्या हो जाता हमारा, कि ए बी जो हम ले रहे हैं तो ए हमारा एंडिंग पॉइंट है और बी के साइड हम इन्फिनाइट बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारा फिर रे कहला जाता। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले वाले में ही। उस तरीके से आप बस ए बी लिख करके यहाँ पर बस सीधी लाइन बना देते, दोनों साइड एरो नहीं बनाते, तो उसका मतलब क्या हो जाता कि ये जो हमारा ए है वो एंडिंग पॉइंट है और ये जो बी है वो भी एंडिंग पॉइंट है, बस उसके बीच वाले लाइन के बारे में हम लोग बता रहे हैं। समझ आया, तो वो हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो हमने दोनों साइड एरो लगा दिया, इसका मतलब कि हम इधर भी बढ़ते जा रहे हैं और इधर भी बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हमारा जो होगा वो अब लाइन होगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हमारा ए बी एक लाइन हो गया। दूसरा, आप ए से ही शुरू करो तो ज़्यादा बेटर है, जैसे आप आगे पीछे बता सकते हो बी सी सी डी है ना, इस तरीके से बता सकते हो, लेकिन उसमें फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमने कौन सा लेटर पहले लिया है। तो आप एक काम करो कि ए से जितने भी पॉसिबल नाम यहाँ निकल रहे हैं सबको लिख लो, फिर बी से जितने भी पॉसिबल नाम निकलेंगे वो लिख लेंगे, सी वाले डी वाले इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो ए से तो एक ए बी हो गया, फिर हमारा ए से लेकर के सी तक देखो यहाँ पर हम लोग लिखें तो ए से सी के आगे भी दिया जा रहा है और ए सी इधर भी आ रहा है, तो ए सी जो होगा एक दूसरा लाइन हमारा बन जाएगा। तो इधर भी एरो बना दो, इधर भी एरो बना दो कि ए के साइड भी ये बढ़ते चला जा रहा है और सी के साइड भी ये बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा ए डी देखो यहाँ से ए से लेकर के डी तक इधर बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है, तो इसका एक नाम हो जाएगा ए डी। ठीक है, इधर भी एरो मारो, इधर भी एक एरो लगा दो। अब ये ए से हमारा पॉसिबल नाम हो गया, अब इससे ए से हम तो कुछ दूसरा नाम बना नहीं सकते, तो हम लोग बी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बी से देखो एक तो इधर आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बी ए लिख सकते हैं, बी और ए, यानी कि बी के साइड भी आगे जा रहा है और ए के साइड भी ये आगे जा रहा है, इधर से भी आगे जा रहा है और इधर से भी आगे जा रहा है, तो एक नाम बी ए हो जाएगा। ए बी और बी ए यहाँ पर अलग अलग दो हमारे पॉसिबल नाम हो सकते हैं इसके। उसी तरीके से अब हमारा बी से आगे देखो, इधर सी के साइड जा रहा है ना, तो इधर बी और ये हो गया सी, तो बी सी हमारा जो है दूसरा लाइन बन गया। तो यहाँ पर इधर भी एरो लगा दो और इधर सी के साइड भी, दोनों साइड एरो लगा दो। फिर बी से और क्या लाइन बन रहा है, तो बी से डी की तरफ एक लाइन बन रहा है, एक इधर जा रहा है और एक डी से आगे जा रहा है, तो आप इसको एक नाम दे सकते हो बी डी। ठीक है, इधर भी एरो का साइन लगा दो और इधर भी एरो का साइन लगा दो। अब बी से कुछ और बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, अब सी के पास जाएंगे और देखेंगे कि सी से जो है कौन कौन से लाइंस बन रहे हैं। देखो सी से आगे इधर एक तो बन रहा है, सी से डी की तरफ, तो पहले हम लोग सी डी ही लिख देते हैं। ठीक है, सी और डी यानी कि एक लाइन जो है वो सी के तरफ भी जा रहा है लेफ्ट साइड में, इधर भी एरो और डी के साइड भी आगे चले जा रहा है, तो इधर भी एरो, तो सी डी जो होगा एक लाइन का नाम हो जाएगा। सी से और कौन कौन सा बन रहा है, तो सी से बी की तरफ बन रहा है, तो सी बी लिख दो। ठीक है, ये दोनों हम लोग एरो का साइन दे दो। सी से ए की तरफ बन रहा है तो सी ए इसका नाम दे दो, ये हो गया हमारा सी ए लाइन का नाम। ठीक है, यानी देखो एक सिंपल सी लाइन है लेकिन 4 पॉइंट उसने बना दिए हैं, इसलिए हमको इतने सारे नाम मिलते जा रहे हैं। टोटल कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बता दिया है कि 12 जो है ना यहाँ पर पॉसिबल आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब ये हमारा सी से भी कंप्लीट हो गया, हम लोग डी से स्टार्ट करेंगे। तो डी से इधर तो कोई लाइन नहीं मिल रहा है हमको, दूसरा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, लाइन तो जा रहा है लेकिन पॉइंट नहीं है, और हमको दूसरा कुछ पॉइंट बनाना भी नहीं अपने मन से, बस यही पॉइंट्स का यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी से इधर आ जाएंगे। तो दो पहले स्टार्ट करते हैं डी से, सबसे पास वाला जो है डी और सी, तो ये हो गया हमारा डी सी। ठीक है, एक लाइन, उसके बाद फिर डी से बी तरफ चल रहे हैं तो डी बी हो गया एक लाइन हमारा, सॉरी बी नहीं, पहले डी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि बी डी हम पहले यूज़ कर चुके हैं देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा डी बी।
क्लियर है। उसके बाद फिर और डी से हमारा ए तक चल जा रहा है ना, इधर भी हमारा लाइन जा रहा है और ए से आगे भी जा रहा है, तो एक नाम हो जाएगा हमारा डी और ए। दोनों में ये ध्यान रखना, एरो में एकदम ध्यान रखना है ना, दोनों साइड एरो है इसका मतलब लाइन है, एक साइड अगर एरो है केवल तो वो रे है, और दोनों साइड अगर एरो नहीं लगाओगे तो वो लाइन सेगमेंट कहला जाएगा, इसलिए एरो जरूर लगाना। अब देखो आपको 12 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हमने 12 नाम बता दिए जो कि इसमें पॉसिबल थे। तो इस तरीके से आपको नाम जो है ना बताने हैं, तो आप इंट्रो वीडियो देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो लाइन के नियम से वो कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, और उसका लिंक भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके सामने दो विंडो ओपन हो गए होंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करो तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, ठीक है, राइट वाले में क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे चैप्टर के वीडियोज मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।